स्टेशन है, वहाँ पे उन्होंने ये स्टेचू बनाया हुआ है टू सिंबलाइज द कल्चर एंड ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री इज रिलेटेड टू दिस स्टेचू। लेकिन जगह बहुत ज़बरदस्त है, इस अंधेरे में तो आपको ये पूरी जगह नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एटलीस्ट बहुत खूबसूरत हवा चल रही है और एरिया बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त अंधेरा है, हमारा कैमरा उसको पूरा फोकस नहीं कर पा रहा पूरे एरिया को, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त। और टाइमिंग का मसला होता है, आपको आपके पास टाइम होना चाहिए अच्छा खासा सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप एक आध दिन के लिए सिर्फ वीकेंड्स पे जाते हैं किसी भी जगह में, सो दैट विल बी लॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ द ब्यूटी ऑफ द सिटीज़। ये देखें, इस वक्त हम मदर जॉर्जिया के स्टेचू के पास खड़े हुए हैं। शी इज़ हैविंग अ सॉर्ड इन हर हैंड्स एंड शी इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द सिटी ऑफ तबिलिसी, एंड विद मी इज़ आवर ग्रेट फ्रेंड मिस्टर मोहम्मद नईम खान साहब हमारे साथ हैं, और हमारे दूसरे फ्रेंड्स भी हमारे साथ हैं। वी आर एंजॉइंग। नईम साहब, हम आधा दिन का टूर कर चुके हैं, इस वक्त हम तबिलिसी के शहर में बहुत ऊंचे एक मकाम पे आए हुए हैं जो मदर जॉर्जिया का एक स्टेचू लगा हुआ है। हाफ डे का जो टूर हमने मनाया, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा लगा आपको? यार, हम अभी तक जिन जिन प्लेसों पे गए ना, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेसेस थे। मेरे ख्याल में ये हमारा चौथी जगह है जहाँ पे हम आ रहे हैं, और इसके बाद भी हमारा जो ड्राइवर साहब है बहुत ईमानदार बंदा है, वो हमें कह रहा है कि 6-7 प्लेसेस में आपको और भी दिखाऊंगा, यानी 11 बजे तक। ओके, और इसके बाद हम फिर जाएंगे वापस सिटी में, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग सब कुछ होगी और वहाँ पे इंशाल्लाह वो लजीज़ वो वीडियो भी हम बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपने दुआओं में याद रखें। नईम साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों के लिए। हमने इमिग्रेशन क्रॉस की, आप न्यूजीलैंड तक माशाल्लाह चले गए, बहुत जगह आपने देखी। मैं खुद भी थोड़ा बहुत जो घूमा फिरा हूँ ना, तो मतलब इमिग्रेशन से हो कि गुजरे हुए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ के इमिग्रेशन या और यहाँ के जो लोग हैं? यार, असल में बात यह है ना कि हर मुल्क का अपना इमिग्रेशन होता है, तो अगर हम अभी ये कहेंगे ना कि हम वहाँ पे एक अलग रूम में भेजा गया और वहाँ पे फिर वहाँ से हमें फिर दूसरे रूम में, तो ये हर एक इमिग्रेशन का अपना हिसाब किताब है, वो जैसे भी करते हैं, इस पर हमारा कोई वो नहीं है, हम इसके लिए रेडी। लेकिन नॉर्मली मेरे ख्याल में मुझे अच्छे लगे, क्योंकि ना वो कोऑपरेटिव होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बगैर वीज़े के आए हुए लोग बहुत ज़्यादा। और एक और बात, और वो क्या बात है भाई, बॉडी बिल्डिंग, ये बॉडी, क्योंकि वो इंस्पेक्टर जो था ना, वो बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर था, और उसने सबसे पहले स्टार्ट इससे लिया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, तो बॉडी बना हुई। थैंक यू नईम साहब। चलें तो ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ का व्यू। अच्छा, जितनी भी यहाँ की ये बिल्डिंग्स हैं ऊपर हिल स्टेशन पे, तो ये पुरानी इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, देखें मुझे लग रहा है ये खाली पड़ी है। अपने गाइड ने हमारे इसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन देखें ये सारी ना पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जगह जगह पे बैठने के लिए और आराम करने सुकून करने के लिए जगह भी है, कुछ खाने पीने के लिए। देखें एक पुरसकून माहौल है, और यही देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं कि कहीं पे सुकून मिले, क्योंकि अपने इलाके में शहरों में मेहनत मजदूरी करने के बाद अगर वो किसी जगह में जाते हैं तो वो अमन चाहते हैं और वो सुकून चाहते हैं इस किस्म का। और मेरे ख्याल में वी हैव फाउंड इट इन तबिलिसी, मदर जॉर्जिया स्टेचू आई हैव शोन यू आफ्टर द केबल कार्स। देखिए टर्किश गावा और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की मिल रही हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे मदर जॉर्जिया के टूर पे, स्टेचू है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से मायूस होकर नहीं जाएंगे, बल्कि यू विल एंजॉय योर लाइफ। मदर जॉर्जिया का जो स्टेचू है जिस हिल स्टेशन पे, वहाँ पर ये जिप लाइन भी है, जिप लाइन फ़िलहाल क्लोज है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। डे टाइम में अगर आएंगे तो यहाँ से ये जिप लाइन के थ्रू उधर तक जा सकते हैं, बट नाउ इट्स क्लोज्ड, सो वी जस्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब
तबिलिसी के टूर में, जॉर्जिया तबिलिसी के टूर में इस वक्त हम जिस हिल स्टेशन पे हैं वहाँ पे एक फोर्ट है, ये फोर्ट का नाम भी आपसे शेयर करता हूँ, नेशनल बोटानिकल गार्डन ऑफ जॉर्जिया। क्या हुआ था? चाहिए बोटानिकल गार्डन है नीचे से। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि अंधेरा है, क्या करेंगे नीचे जाके। फोर्ट ये, इस फोर्ट का क्या नाम है? नारी किला, नारिकल फोर्ट। ठीक, तो ये नाम आपने जाना। खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त। केबल कार से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। एक बात को नोट करें, जब वहाँ से ये केबल कार आ रही होती है या फिर ये जब यहाँ से निकलती है तो बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन इस जगह में जहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ एरिया है इसमें बहुत ही सुकून से ले जाती है, बहुत आराम से। अच्छा, इस वक्त हमारा जो टूर था केबल कार का और मदर जॉर्जिया का और फोर्ट का, ये ऊपर हिल स्टेशन का, वो ख़त्म हुआ जाता है। दूसरे किसी साइड पे भी हम जाने वाले हैं। सो फॉर दैट पर्पस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग भी शेयर करते हैं। हमारे साथ रहें, अपना ख्याल रखते हुए, विश यू ऑल द बेस्ट।